हेलो लर्नर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कंडक्टिंग कैविटी। कंडक्टिंग कैविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम लोग बात करते हैं जेई मेंस या फिर हम बात करें जेई एडवांस, दोनों के बिहाफ पे अगर आप देखो तो कंडक्टिंग कैविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ना। इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। अगर आप लास्ट 5 to 10 ईयर्स को भी जज करो तो एनालिसिस करने पर आपको देखोगे कि रैपिडली इस पर क्वेश्चन आपको मिले। कंडक्टिंग कैविटी थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए इसको समझने के लिए आपको थोड़ा फोकस रहना होगा। ठीक है, पहले तो आपको मैं बताऊं कि कंडक्टिंग कैविटी का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि हमने एक हॉलो कंडक्टर लिया। हमने एक क्या किया, हॉलो कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर लिया। ठीक है, ये परफेक्ट स्फीयर नहीं बना होगा बट आप इसको कंसिडर कर लीजिए, ये परफेक्ट स्फीयर है। हमने एक हॉलो कंडक्टर लिया और इसके अंदर हमने एक कैविटी फॉर्म कर दी। इसके अंदर हमने एक क्या कर लिया, सेम सेंटर को हम लोग रेफरेंस लेकर के हमने एक इसको कंडक्टिविटी इसके अंदर फॉर्म कर दी। तो दिस इज बेसिकली अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। दिस इज अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस R1 एंड R2। ये R1 और R2, R1 रेडियस आप ये मान लो इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस इज R2। तो बेसिकली दिस इज अ थिक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ना, ये एक थिक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस R1 और R2 है। ओके, अब इस पे अगर हम लोग चार्ज प्रोवाइड करते हैं या इसके अगेन इसके लिए हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैं 3 पॉइंट कंसिडर कर देता हूँ, एक आपको ए पॉइंट यहाँ, बी पॉइंट यहाँ और सी पॉइंट आउटसाइड। हम लोग तीनों ही पॉइंट पर आप सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल क्या होगा ना। तो अगर सपोज कीजिए कि हमने इसको टोटल चार्ज क्यू प्रोवाइड किया है, इसको हमने टोटल चार्ज क्या प्रोवाइड किया है, क्यू। ठीक है, तो क्योंकि ये ठीक है तो ये जो क्यू चार्ज होगा ये इसके कहाँ होगा, आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आउटर सरफेस पर हम लोग मान लेते कि इसके ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर ना, तो बात कीजिए ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ए पॉइंट आपकी कैविटी के अंदर है, ये कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्यू चार्ज हमने इसको प्रोवाइड किया क्योंकि हॉलो कंडक्टिंग है इसलिए अंदर चार्ज जाएगा नहीं। तो अगर ए पॉइंट पे बात करेंगे तो कैविटी के अंदर तो कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा आपका, जीरो। बी पॉइंट की बात कीजिए तो बी पॉइंट जो है आपका वो एक कंडक्टिंग मटेरियल पॉइंट है। बी पॉइंट आपका क्या है, दिस ये जो आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट इज इन कंडक्टिंग मटेरियल। ये कहां है, एक कंडक्टिंग मटेरियल में, और किसी भी कंडक्टर के अंदर, हम लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से समझा था, किसी भी कंडक्टर के अंदर जस्ट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो ना। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहां पर आपका जीरो होगा। सेम वे में अगर हम लोग सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट, अब देखिए ए पॉइंट हो या बी पॉइंट हो इस पे भी आपको गॉसियन सरफेस तो ड्रॉ करना है, बट अगर हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ भी करते हैं तो हमें उसके अंदर कोई भी चार्ज मिलने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन सी पॉइंट के लिए अगर हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो इस गॉसियन सरफेस के लिए, फॉर दिस गॉसियन सरफेस ये जो आपका स्फीयर है, फॉर दिस गॉसियन सरफेस स्फीयर विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज। समझिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के बाहर अगर आप कोई गॉसियन सरफेस को कंसिडर करते हो, कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो, तो इस पूरे गॉसियन सरफेस के लिए ये जो आपका कंडक्टर है, ये जो स्फीयर है, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और किसी पॉइंट चार्ज से किसी भी डिस्टेंस आर पर, मान लेते हैं ये सी पॉइंट आपका है, इस पर अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो वो होती है के, आपका चार्ज कितना है क्यू, डिस्टेंस है स्मॉल आर का स्क्वायर। ओके, के आपका होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फंडा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी। ओके, सेम वे में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहें तो ए पॉइंट पर क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि चार्ज अगर आपका ओवरऑल सरफेस पर है तो पॉइंट इनसाइड दी सरफेस कहीं भी हो, हम लोग हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हैं। तो हमारा फंडा बनेगा के क्यू अपॉन ए पॉइंट के लिए मैक्स, जो सरफेस है वो किस डिस्टेंस पे, मैक्सिमम आर टू पर है, तो आर टू।
बी के लिए पोटेंशियल आप देखो, तो बी पॉइंट के लिए भी जो सरफेस है वो तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, मैक्सिमम डिस्टेंस हम लेते हैं जो सरफेस का, जो आउटर सरफेस है ना उसके लिए बात करते हैं, तो वो कितना डिस्टेंस है r2, तो ये भी हो जाएगा kq अपॉन r2। सी पॉइंट पे बात करो तो सी पॉइंट पे आपका आउटसाइड आ गया, सी पॉइंट हम लोग वही किसी स्मॉल r डिस्टेंस के लिए कंसीडर करेंगे, तो फिर से वही बात कि किसी आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर हम इस कंडक्टर को देखें तो ये कंडक्टर आपका एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस आर, ठीक है, वेयर के इज ऑलवेज 1/4πε0, ठीक है ना, वैक्यूम के लिए मैं बात कर रहा हूं, एयर या वैक्यूम के लिए, और इसकी वैल्यू होती है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये ओवरऑल जो आपका फंडा बन रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट बन रहा है कंडक्टिंग कैविटी का, वो तब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हेन देयर इज नो चार्जेस इनसाइड द कैविटी ना, हमने इसको अंदर कोई भी चार्ज प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन अगर हम लोग सेंटर पे एक चार्ज प्रोवाइड कर दें, सपोज कीजिए आपने कंडक्टर को कोई चार्ज नहीं दिया, ठीक है, ज्यादा इजी होगा इस चीज को ऐसे समझने में कि हम कंडक्टर को स्टार्टिंग में चार्ज नहीं देंगे, पहले हम लोग एक चार्ज प्लेस करते हैं सेंटर पर और देन देखते हैं कि क्या फेनोमिना या क्या पूरा एनालिसिस होगा इसका, कैसे इसको समझेंगे, फिर आने वाले टाइम में हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से भी चार्ज देंगे और देन हम सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप करते हुए चलेंगे, ओके। तो इतना अगर आपको क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हमने कुछ नहीं किया, जैसे हॉलो इस कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में हम लोग जानते थे हमने वही पूरा फंडा अप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए अब मैं एक और डायग्राम बनाता हूं और आपको बताता हूं कि अगर ये चार्ज सेंटर पे प्रोवाइड किया जाए तब क्या होगा, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं, ओके। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, इसके अंदर मैंने एक कैविटी ड्रॉ किया, ये परफेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा बट आप ये कंसीडर करेंगे क्योंकि ऐसे परफेक्ट ड्रॉ करना थोड़ा टफ टास्क है, बट आप ये कंसीडर कर लीजिए कि ये एक परफेक्ट स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है ना, आप अपने नोट्स में इसको अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, ओके। तो इसका जो सेंटर है ना, दोनों का कोसेंट्रिक है ना, कैविटी का सेंटर और इसका कोसेंट्रिक है। अब इस केस में हम लोग कर क्या रहे हैं, इसको मैं मटेरियल दिखा देता हूं कि दिस इज अ मटेरियल पोर्शन, ओके, और दिस इज अ कैविटी, अगेन दिस इज आर वन एंड दिस इज आर टू, ओके। तीन पॉइंट पे डिस्कस करना है हम लोगों को, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ओके। नाउ वी आर कीपिंग अ पॉइंट चार्ज क्यू एट द सेंटर ऑफ दिस सिस्टम, ओके। हम लोग एक क्यू चार्ज, एक पॉइंट क्यू चार्ज को इसके सिस्टम पर रख रहे हैं, हमने ओवरऑल इसको कोई भी चार्ज प्रोवाइड नहीं किया है, तो इस चीज को मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, मैं ओवरऑल क्यों चार्ज नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, समझाता हूं आपको, एक कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्ड करेंगे, ठीक है, तब आपको क्लियर होगा, आने वाले समय में हम लोग चार्ज भी देंगे इसको। अच्छा, अगर हमने इसको क्यू चार्ज प्रोवाइड किया तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा पोटेंशियल, इसको डिस्कस करते हैं, फिर से वही काम, मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पर मैं सबसे पहले क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कंफर्म है कि एट पॉइंट बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ये कंफर्म्ड है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये आप चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी इज इन द कंडक्टिंग मटेरियल, बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम फोकस होकर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंडक्टिंग मटेरियल, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा और हमेशा जीरो होगा, ये एकदम नोट कर लीजिए, कुछ हो जाए, कोई कॉम्बिनेशन दिया हो, कोई सिस्टम गिवन हो, डजंट मैटर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेफिनेटली जीरो, ओके। तो बी पॉइंट पे तो जीरो है, इतना तो कंफर्म है, कोई इसमें शक करने वाली बात नहीं है, लेकिन समस्या कहां आती है, समझिए, एक छोटा सा यहां पे कंसीडरेशन लेते हैं, लेट वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड दी, मैं नाम दे दूं उसको, ज्यादा आसान होगा, S1 सरफेस और S2 सरफेस, ऐसे नाम दे देते ना, जस्ट आउटसाइड दी S1, ओके। तो जस्ट आउटसाइड दी S1 का मतलब है कि इसके ठीक बाहर मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ये रेड इंक आपको दिख रही होगी, ठीक है,
इसके ठीक बाहर मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ठीक है। इसको कुछ 16 मेगापिक्सल पे ले जाइए और जूमिंग करते हैं ना। 16 तो आजकल बहुत छोटा हो गया है, अब तो 48 मेगापिक्सल इजीली मिल जा रहा है, ठीक है। जूम करेंगे तो क्या हम लोगों को ऑन जूमिंग क्या हम लोग को अंदर एक कैविटी दिखेगा ऐसा, ये दिख रहा है ना। अब आप कहोगे सर जूम करके भी कितना बड़ा बनाया हो, नहीं बेटा इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करते हैं। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आप इसको मैंने ऐसे जूम किया है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका जो गॉसियन सरफेस है और जो S1 सरफेस है उसके बीच में थोड़ी सी जगह तो मिलेगी ना, बहुत छोटी सी, बहुत माइन्यूट इसका डिस्टेंस होगा, इनके बीच में स्पेस होगा, बट होगा ठीक। अगर मैं इसके बीच का कोई पॉइंट लूं तो ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज इन द कंडक्टिंग मटेरियल। ये पॉइंट कहां है आपका, कंडक्टिंग मटेरियल में है, समझिएगा बहुत ध्यान से। ये पॉइंट कहां है, जस्ट आउटसाइड मैंने सरफेस के लिया है, मैंने गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड बनाया। बट अगर मैं थोड़ा जूम करके देखूं और एकदम ठीक यहां पर एक पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को अगर मैं लूं और वहां पे बोलूं कि ये पॉइंट कहां है, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि भैया ये पूरा हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है, ये पूरा। तो इस पूरे कंडक्टिंग मटेरियल में हमारा वो पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो ये जीरो आना चाहिए, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि जीरो होगा। अगर यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब इससे कोई भी नेट फ्लक्स पास नहीं करेगा, बात समझिएगा। अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहां से कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा, और अगर यहां से फ्लक्स पास नहीं कर रहा है इसका सीधा सा मतलब है कि क्यू इनसाइड इज जीरो। मैंने आपको यह भी बताया था कि फ्लक्स अगर जीरो है तो इसका यह मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, इसका मतलब है कि क्यू इनसाइड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, किसी केस में जीरो हो सकती है, किसी केस में जीरो नहीं हो सकती, यहां जीरो है लेकिन हर बार ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट इफ नेट फ्लक्स इज जीरो, यह पक्का है कि क्यू इनसाइड जीरो होगा। क्यू इनसाइड कहां होता है, क्यू इनसाइड में इनसाइड क्या है, वो गॉसियन सरफेस के अंदर की बात होती है। ये हम कह सकते हैं कि इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस नेट चार्ज इज इक्वल जीरो, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन अगर इस डायग्राम को आप ध्यान दें तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर एक चार्ज क्यू है, इसका मतलब ये कुछ तो है जो यहां से मिस हुआ। समझ रहे हो आप कि कहां पे कॉन्सेप्ट आपको यहां पे सीखने की जरूरत है। हमने जस्ट आउटसाइड एक गॉसियन सरफेस लिया और चेक किया कि इस पॉइंट पे जस्ट आउटसाइड अगर हम चेक करें तो भैया हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आनी चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो मतलब फ्लक्स जीरो मतलब वहां पे नेट जो इनसाइड चार्ज है वो जीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने क्या किया, हमने सेंटर पे एक चार्ज दिया है। तो ये पॉसिबल तभी है, यहां पे मैं कर रहा हूं, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन सम माइनस क्यू चार्ज ऑल्सो एग्जिस्ट। ये तभी पॉसिबल होगा जब इस प्लस क्यू के साथ साथ इतना ही माइनस क्यू चार्ज और एग्जिस्ट करे, और दोनों चार्ज मिल करके क्यू इनसाइड जीरो बनाए, क्योंकि क्यू इनसाइड आपका नेट चार्ज होता है। क्यू इनसाइड के अंदर जो होता है वो नेट चार्ज लेते हैं हम, तो कोई सिंगल चार्ज नहीं लेते ना। तो अगर क्यू है तो इसका मतलब कोई क्यू निगेटिव भी होगा जो कि इसको मेंटेन कर रहा होगा, और मेंटेन करने की वजह से क्यू इनसाइड जीरो आएगा, फ्लक्स जीरो आएगा, और तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए जब भी किसी कंडक्टिंग कैविटी के अंदर अगर कोई सेंटर पे चार्ज प्लेस कर दिया जाए तो बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, मैंने एकदम फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि चार्जिंग करने के तीन मेथड ना, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। तो इंडक्शन पे जो मैं चर्चा कर रहा था वो यही है कि बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन हमारा क्या होता है, प्लस क्यू एक निगेटिव क्यू जनरेट करता है। यहां पर क्या जनरेट करता है, निगेटिव क्यू जनरेट करता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा समझिएगा, ये नेगेटिव क्यू और ये प्लस क्यू मिल करके आपका पूरा फेनोमिना बनाते हैं। लेकिन यहां पे जैसे ही नेगेटिव क्यू आपका जनरेट हुआ, एक प्रॉब्लम और आई। क्या आई, द नेट चार्ज
ऑन कंडक्टर अगर आप बताओ, हमने कंडक्टर को कोई भी चार्ज नहीं प्रोवाइड किया था, हमने कैविटी के अंदर सेंटर पे चार्ज रखा जरूर था लेकिन कंडक्टर को कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं किया था, तो द नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर इज जीरो। हमने तो कंडक्टर को कोई चार्ज प्रोवाइड किया नहीं, लेकिन हमें अब माइनस क्यू चार्ज दिख रहा है। और ऐसा तो नहीं है ना कि आपने चार्ज दिया नहीं कंडक्टर को और कंडक्टर को उठा के हम रख दें फ्रिज में रख दें और फ्रिज से बाहर निकालें तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो चार्ज कंजर्वेशन जो है वो फेल कर जाएगा। चार्ज कंजर्वेशन फेल नहीं कर सकता, इनिशियली जितने चार्ज हैं फाइनली उतने चार्ज होने चाहिए। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, पढ़ा है? तो चार्ज इनिशियली जीरो हैं तो फाइनल भी जीरो होने चाहिए। लेकिन हमें क्या दिख रहा है? माइनस क्यू चार्ज, ये खुद से जनरेट हुआ दिख रहा है, इंड्यूस चार्ज है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी, कुछ तो प्रॉब्लम आई। अब इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से फिर प्रॉब्लम आएगी आगे कि बी पॉइंट पर हमें कुछ ना कुछ फील्ड मिलने लगेगा, लेकिन बी पॉइंट पर तो फील्ड मिलना नहीं चाहिए क्योंकि माइनस क्यू चार्ज एक सरफेस पे है ना। मैंने आपको बताया था सरफेस के बाहर निकलोगे तो बाहर गॉसियन सरफेस के लिए ये आपका स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने लगेगी, लेकिन बी पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्लियर हो रहा है ये बात? तो अगेन वी कैन से कि सिंस ईबी इज जीरो डेफिनेटली कंफर्म्ड, इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी आकर बोले तो भी आप बोलोगे कि नहीं ब्रह्मा जी, ये मैं बदलूंगा नहीं चाहे कुछ हो जाए। ईबी अगर जीरो है तो इसका मतलब कि अगेन सम पॉजिटिव क्यू चार्ज विल एग्जिस्ट, कि फिर से इंडक्शन मेथड हुआ और पॉजिटिव क्यू चार्ज हमें वापस से मिलेगा इस सरफेस पर, ठीक है, आउटर सरफेस पे। अभी इसको और भी मैं तोड़ूंगा, ऐसा नहीं है ये प्लस क्यू एक्चुअली इनर सरफेस में माइनस क्यू आता है, फिर उसके आउटर सरफेस में प्लस क्यू आता है, वो प्लस क्यू इनर सरफेस में माइनस क्यू देता है और फाइनली प्लस क्यू देता है। तो इतना डिटेल में अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बट अभी मैं एक पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ओवरऑल करके कि ये माइनस क्यू अगेन हमें क्या देगा, एक प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड करेगा ताकि ये टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर क्या हो जाए, फिर से जीरो हो जाए और तब जाकर के आपका ये पूरा सिस्टम प्रिपेयर होगा। This complete system is called conducting cavity। ये पूरा सिस्टम मिल करके जिस तरीके से चाहे, अगर आपने सेंटर पे क्यू दिया तो माइनस क्यू इसके सरफेस पे आया और प्लस क्यू इसके आउटर सरफेस पे आया, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली सिस्टम ऑफ टू हॉलो कंडक्टर या कंडक्टिंग स्फीयर। इसमें तीन आपकी चीजें हैं। इस पूरे सिस्टम को आप कैसे जज करोगे कि ये दो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है प्लस वन पॉइंट चार्ज। ये तीन चीजों से मिलके बना है। अगर आपको ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको इस तीनों सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा और तब जाके आपका ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग तीनों पॉइंट पर, ए पर, बी पर, सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको सिर्फ एक पॉइंट पे निकलवा के दिखा देता हूं, वो है बी पॉइंट, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई हम लोग स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं ना कि बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। प्रूफ करके देखते हैं भाई कैसे नहीं जीरो। चलो मैं मान लेता हूं ये जो बी पॉइंट है वो कुछ आर डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, ये बी पॉइंट आर डिस्टेंस पर, और यहां पर हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रखा है। तो तीन है हमारे पास, कौन कौन, पॉइंट चार्ज, एस वन सरफेस, एस टू सरफेस, ये तीन है। चलो पॉइंट चार्ज की वजह से मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर बी पॉइंट है तो कितना होगा फील्ड बताओ, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, बोलो हाँ ठीक। अब ये आया एक दूसरा सिस्टम, क्या है, हॉलो स्फीयर माइनस क्यू का, हॉलो स्फीयर है माइनस क्यू और बी पॉइंट इसके बाहर है, तो बाहर गॉसियन सरफेस के लिए ये सरफेस बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो ये पॉइंट चार्ज होगा तो कितना हो जाएगा, के चार्ज है माइनस क्यू और डिस्टेंस अगेन आर, होगा कि नहीं। अच्छा अब बात करते हैं एस टू, ये S1 सरफेस था, S2 यहां बना देता हूं मैं। S2 सरफेस के लिए देखो तो B पॉइंट अंदर है
और हॉलो सरफेस के सरफेस पर, हॉलो स्फीयर के सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। तो हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, हॉलो स्फीयर अगर कोई ले तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो, क्योंकि हॉलो स्फीयर के सरफेस पे केवल चार्ज होता है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब ये आपको पॉइंट चार्ज S1 सरफेस, S2 सरफेस तीनों आया, तो भैया बताओ नेट कितना होगा, नेट फील्ड कितना होगा। नेट फील्ड के लिए हम लोग ऐड करेंगे इसको, तो EB पर नेट हुआ, ऐड कीजिए इसको पूरा, ऐड करके देखिए क्या ये जीरो आ रहा है, आ रहा है ना। तो कंडक्टिंग कैविटी इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ टू हॉलो सरफेस, टू हॉलो स्फीयर एंड अ पॉइंट चार्ज, अगर हमने पॉइंट चार्ज यहां प्रोवाइड किया है तो ना। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कंडक्टिंग कैविटी का फंडा सॉल्व होता है। और सिर्फ भी नहीं, आप ए बी सी तीनों पॉइंट पे ऐसे अलग अलग निकाल के देखो, आप पोटेंशियल निकालो या फिर आप फील्ड निकालो, एकदम सही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये फंडा आपको आई होप कि अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अगले का स्टेप अगले लेक्चर में हम लोग ये करेंगे कि हम लोग इसको बाहर से अलग से इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे, तब देखते हैं क्या होता है। अभी तो हमने इसको चार्ज नेट चार्ज जीरो किया ना, तो बाहर से देंगे तो भी वो चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करना चाहिए, तो अब कैसे होगा, ये भी एक अलग फंडा है। ठीक है, तो ये आपको आई होप पूरा क्लियर हुआ, इसमें कहीं डाउट हो तो पूछेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।